आमिर खान की फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। थग्स ऑफ हिंदुस्तान पर लटकी कानून की तलवार और इस फिल्म के लिए मुसीबत बना है फिल्म का टाइटल और आमिर खान का फिरंगी कैरेक्टर। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के जौनपुर में फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और आमिर खान के खिलाफ एक कास्ट की इंसर्ट करने और उनकी फीलिंग को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है और थग्स ऑफ हिंदुस्तान के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई है एडवोकेट हंसराज चौधरी ने, जिन्हें इस मामले पर गवाही देने के लिए 12 नवंबर को कोर्ट में बुलाया गया है। आपको बता दें कि फिल्म का टाइटल बदलने और मल्लाह के पहले फिरंगी शब्द हटाने के लिए 2 दिन पहले निषाद समाज के लोगों ने भी डीएम के थ्रू ज्ञापन प्रेसिडेंट को सौंपा था। दरअसल आमिर खान की फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान एक इंग्लिश नॉवलिस्ट के नॉवल कन्फेशन ऑफ थग्स पर बेस्ड है, जो आज़ादी के पहले आज़ादी के दीवानों को आतंकवादी, ठग आदि शब्द कह के बुलाते थे और इस फिल्म में 1975 की इसी घटना को दिखाया गया है। और इस फिल्म को लेकर कोर्ट में एक और बात कही गई है कि फिल्म की कहानी केवल कानपुर की है, फिर फिल्म का टाइटल थग्स ऑफ हिंदुस्तान रखना मेकर्स की गलत फीलिंग को शो करता है। फिल्म में आमिर खान का नाम फिरंगी मल्ला रखा गया है। फिल्म मेकर्स जानते हैं कि विरोध पर फिल्म ज्यादा चलेगी, विरोध ना होने पर लोग निषाद मल्ला को ठग और फिरंगी समझेंगे और फिल्म मेकर्स के इस एक्ट से जातियों में नफरत और दुश्मनी की फीलिंग्स पैदा होगी। तो अब इन सब कंप्लेंट्स के बाद थग्स ऑफ हिंदुस्तान के मेकर्स इसे लेकर क्या फैसला करते हैं, ये तो अब देखने वाला होगा। तो अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।